एवरीवन, मैं रेखा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल रेखा ब्यूटी हब पर। और फ्रेंड्स, आज एक वीडियो और मैं लेकर आई हूँ, जो है मेरा जो मैंने पार्लर बनाया है उसमें मेरा खर्च कितना हुआ और एकदम लो क्लास और हाई क्लास पार्लर में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि फैसिलिटी कम होने के बावजूद हमारे पार्लर पर क्या असर पड़ता है और अच्छी फैसिलिटी देने के बाद हमारे पार्लर का ग्रोथ कितना तेज़ी से बढ़ता है, इस बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं मेरे इस चैनल पर रेखा ब्यूटी ऐप पर ऐसे ही वीडियो डालती हूँ, मतलब पार्लर से रिलेटेड जो भी हैं, जैसा भी कुछ है, मैं सब इस पर इस तरह के वीडियो डालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अभी मुझे सपोर्ट करें, और मैं काफ़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं, ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं उनको कुछ आइडिया आए, जैसे कि पहले मैं भी न्यू बिगनर्स थी। और वैसे भी देखा जाए तो सीखने की कोई भी कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी तालीम पूरी हो गई है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सारी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं। मैं आज पार्लर चलाती हूँ, अच्छा खासा पार्लर बना दिया है, फिर भी मैं पार्लर से रिलेटेड वीडियो देखती हूँ, क्योंकि हर जगह हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग होता है, इसलिए सीखने में कभी भी कंजूसी ना करें, हमेशा सीखते रहें, क्योंकि इस चीज़ का कभी भी कोई एंड नहीं हो सकता है। जितना सीखोगे इतना कम पड़ेगा आपको, ऐसा है ये ब्यूटी पार्लर। इसमें हर बार 2-3 साल में अपडेट आता ही आता है, अपने को तुम्हें अपडेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम नहीं चल सकते, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में आप देखोगे तो, इसलिए उसके साथ हमको अपने को अपडेट करना ही पड़ता है। तो मैं बताती हूँ अभी आपको कि मैंने कितना खर्चा किया है और क्यों किया है, अभी आज के पहले क्यों नहीं किया, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच करें। तो चलिए मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है और पहले मेरे पास क्या था। तो पहले तो मैं आपको अपना फ्रेंड्स, चलिए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कितना पैसा लगाया है और क्या मेरे पास पहले से था और क्या मैंने न्यू लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पार्लर एक ऐसी चीज़ है, ब्यूटी सलून ऐसी एक चीज़ है जिसमें आप जितना मर्जी लगा लो कम ही रहता है। मैंने इसमें करीबन 2 लाख के आसपास समथिंग मैंने इसमें लगा दिया है, फिर भी मेरी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी बाकी है। और पर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि ब्यूटी पार्लर में हमको समय के साथ अपग्रेड रहना पड़ता है, नहीं तो हम लोग पीछे आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने करीब पार्लर सीखा था 2003 में और अभी चल रहा है 22, यानी करीब करीब मुझे 20 साल जैसे मुझे पार्लर सीखे हो जाएंगे, ठीक है। जब मैंने पार्लर सीखा तो मेरा छोटा बेटा सिर्फ 3 महीने का था, पर मुझे धुन थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो इसके लिए मैंने पार्लर सीखा। और पर घर में हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था बिल्कुल भी, वो सपोर्ट नहीं करते थे, उनको ये पसंद नहीं था कि औरत कमाएगी तो ही घर चलेगा, ऐसा नहीं हुआ। उनकी अच्छी खासी जॉब है, अच्छी से अच्छी मतलब इनकम है, पर फिर भी मुझे नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो सपोर्ट ना मिलने के कारण मैं हमेशा इस फील्ड में पीछे रही, क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप लोगों को घर का सपोर्ट मिलता है ना, तो आप कोई भी काम करने में आगे बढ़ते हो, पर जब किसी बंदे का सपोर्ट कम हो ना, तो फिर आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इतना सपोर्ट नहीं था, फिर भी मैं नहीं, अपनी जिद पर लगी रही कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है, मुझे ये काम करना ही है। तो मैंने सीख भी लिया, 3 महीने का बच्चा छोटा हो तो समझो वो औरत कैसे मैनेज करती होगी, फिर भी मैंने सीखा, शुरू भी किया। तब मैं एक रूम किचन में रहा करती थी, काफ़ी 20 साल पहली बात है, शादी को 7-8 साल हुए थे, तो एक रूम किचन में रहा करती थी, तो उस टाइम पर सपोर्ट ना मिलने उसी रूम में चलाने लगी। तो आप देखो फ्रेंड्स, ब्यूटी पार्लर में जितना अच्छा आप डेकोरेशन करोगे,
जितनी अच्छी फैसिलिटी आप कस्टमर को देंगे, जितनी आपकी मैनेजमेंट व्यवस्था होगी, इतना आपका पार्लर अच्छे से ग्रो करेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो धीरे धीरे एक रूम में ऐसे ही चलता रहा, तो उसमें 10 साल निकाले, 12 15 साल निकल गए। तो अभी फिर हमने इस मकान में आ गए, तो यहाँ पर मैंने अपना, ऊपर हम रहते हैं, नीचे रेंट से दे रखा, इसी में ही एक सीढ़ी के नीचे आप समझ सकती हो कितनी जगह होगी, 5x5 की वो जगह है जहाँ पर मेरा पहले ये पार्लर हुआ करता था। उसमें पहली बात तो क्या, कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी हो, बिजनेस हो या ऐसा बोलते मंदिर हो, कुछ भी सीढ़ी के नीचे होना नहीं चाहिए। तो भी मैंने कंजेस्टेड, इतना कंजेस्टेड था कि फिर भी मैंने सीढ़ी के नीचे जैसे तैसे करके अपना सैलून मैंने सीढ़ी के नीचे ही खोल दिया। तो हुआ क्या, सीढ़ी का नीचे कोई भी बिजनेस होना नहीं चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए, मतलब चलता है पर ग्रोथ अच्छे से नहीं करता। और दूसरी बात क्या था कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह थी, मतलब मेरे पास दो क्लाइंट आए तो मैं उनको सोचती थी कहाँ इनको बिठाऊँ मैं। उसके हिसाब से मेरे पास फैसिलिटी भी कम थी फ्रेंड्स, मेरे पास इतनी कम फैसिलिटी थी। जो चेयर आप देख रहे हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये चेयर मैंने अभी ली, 14,000 की ये चेयर आई है। उस टाइम पे जब मैंने वो चेयर ली थी स्टार्टिंग में, तो वो 1200 रुपये की चेयर सिर्फ आई थी, सिर्फ 1200 रुपये की। आज एक फेशियल की किट भी 1200 रुपये की नहीं आती है, उस टाइम पर मैंने चेयर 1200 रुपये की ली थी, जैसी वो पुराने टाइम में चलती थी। ये क्या हाइड्रोली वाली है, इसको हम कैसे भी सेट करते, प्रोफेशनल चेयर्स ये है, पर वो एकदम जैसे पहले चलती थी, यानी उसके हिसाब से मैंने ली थी। तो उस टाइम पर ना मेरे पास एसी था, सिर्फ पंखे में वैक्स करती थी मैं, और पंखे में वैक्स करने में बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर भी जैसे तैसे करके मेरा पार्लर चलता रहा, ऐसा नहीं, बहुत सारे मेकअप भी किए, बहुत लोगों को तैयार भी किया, अच्छा खासा ग्रो था, पर फिर भी नहीं। दूसरों के जब पार्लर देखती थी मन दुखता था, इन सब लोगों के इतने बड़े हैं, मेरा कब होगा। तो चलो खैर फ्रेंड्स, मैंने अब ये कर ही दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्लर में कस्टमर अगर पे करता है, अगर कस्टमर पे कर रहा है आपके पार्लर में, तो उसको फैसिलिटी भी चाहिए। अगर सपोज वहाँ एक जगह आईब्रो का 150 रुपया है, एसी है उसके पास, एकदम प्रोफेशनल पार्लर है, 150 रुपया 150 में वो वैक्स कर रहे हैं, और हम जैसे जो होते हैं, मतलब जिनके पास एसी नहीं होते पंखे वाले हैं, वो 120 में कर देते हैं। तो कस्टमर उस टाइम पर ये नहीं सोचता कि मैं 120 में नहीं, 150 ही दूंगा, 150 ही मैं पे करूंगी, पर मुझे एसी में जाना है, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन उनको अच्छे पार्लर में बैठकर मिलता है, ऐसे पंखे वाले में कंजेस्टेड जगह में उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने भी बहुत साल निकाले हैं पर अभी अच्छे से किया है, ऐसा नहीं है अभी एकदम अच्छे से खर्चा किया है दिल खोल के। तो पार्लर ऐसी चीज़ है, जितना तुम लगाओगे इतना तुम इसमें से पाओगे, ये एक ऐसी चीज़ है। तो वो बहुत 5x5 का रूम था ये, वो वाला, तो वो मैंने बंद करके अब यहाँ पर कर दिया। ये रेंट का ही मकान है, तो अभी मैंने 2 रूम किचन है, उसमें से एक रूम खाली कराया, उसमें अपना पूरा सेटअप कर दिया है पार्लर का। अभी 2-4 महीने के बाद पूरा ही रूम खाली करा लूँगी, तो पूरे में ही मेरा पार्लर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा 10x10 का या 12x12 का ही कमरा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले मेरे पास एक सिंपल सा टेबल हुआ करता था और एक सिंपल सी चेयर थी मेरे पास, उससे ही मैं अपना काम चला लिया करती थी। पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी फर्नीचर कराया है, ये साइड में आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा मेकअप रखा हुआ है मेरा, पूरा कॉस्मेटिक इसमें है, और ये पूरा का पूरा आप शोकेस देख रहे हैं, ये ऊपर तक पूरा, और ये इसी रूम में मालिया था, अपराई जिसको बोलते हैं, उसको भी मैंने कवर करा दिया है। और साथ में ही फ्रेंड्स मैंने ये इसमें कराया है सामान रखने के लिए, पूरे के पूरे प्रोडक्ट पार्लर के सब मेरे इसमें आ गए हैं। तो इसमें मेरा टोटल खर्च लगा है खाली फर्नीचर का ही 60,000 रुपया लगा है, इतना ही बनाने का 60,000 लगा है, इतनी महंगाई है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये चेयर मेरी 15,000 की एक है, और उसके बाद ये शैम्पू स्टेशन, ये भी मैंने नया ही लिया है,
ये 14,000 का है फ्रेंड्स। और उसके बाद फिर मैंने ली है ये एक ट्रॉली। ट्रॉली की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमको, और ये फ्रेंड इसको हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी इसमें सामान रख के हम फेशियल करना हो या किसी को मेकअप वगैरह करना हो तो इसमें हम सब सामान रख कर, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ये भी मैंने फर्स्ट बार ली है। तो ये तीन आइटम, ये ट्रॉली मेरी है 2800 रुपये की ट्रॉली है ये, इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइंग वगैरह इसमें हम सेट रख, इसमें रख सकते हैं, इसमें अपने फेशियल करते हैं तो यहाँ पर बाउल आ जाता है, फिर मेकअप करना हो तो यहाँ पर पिन के बुक्स वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। तो ट्रॉली बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रॉली तो पार्लर में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ये जो चेयर है, ये चेयर हमारी ऐसे मतलब घूम जाती है, पीछे पूरी खुल जाती है, प्रोफेशनल चेयर है ये, 15,000 की चेयर है। और शैम्पू स्टेशन 14,000 का है फ्रेंड। और देखिए इतना सब लगाने के बाद भी आज मेरे पास जो ये कुर्सियाँ हैं ये मेरे पुराने पार्लर में थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम जगह थी, इसलिए छोटी सी कुर्सियाँ हैं एकदम, मतलब बैठ सकता है कितना भी मोटा आदमी इसके ऊपर, पर हैं छोटी छोटी क्योंकि वहाँ पर बहुत कंजेस्टेड जगह थी, इसके लिए ये कुर्सियाँ हैं। और ये मिरर मेरा जो आप देख रहे हैं, अभी मैं भी दिख रही हूँ वीडियो में, ये जो मेरा मिरर है फ्रेंड, ये मेरा कांच उसी पार्लर का है, पहले पार्लर में यही कांच मेरे लगा हुआ था। और ये मशीन भी मेरी वही की है, हॉट एंड कोल्ड मशीन है ये। ये मशीन भी मेरी उसी पार्लर की है। और ये डम्मी भी मेरी उधर की है, इस पर मैं किसी को सिखाना है तो इस पर हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो ये डम्मी भी मेरी उसी पार्लर में मैंने ली है, ये डम्मी भी पुरानी है मतलब। और ये रिंग लाइट भी मेरी पुरानी है, क्योंकि वीडियो वगैरह बनाने में या मेकअप करने में रिंग लाइट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये मशीन जो है मेरी, आप देख रहे हो, ये मशीन भी मेरी पुरानी है, ये हेयर स्पा मशीन है, इसमें ऊपर टप आता है पर वो मैंने उधर पीछे बताती हूँ अभी रखा हुआ है। तो ये मशीन भी फ्रेंड्स मेरी पुरानी है, ये मैंने 3,500 की ली थी। और ये ली है मैंने मशीन बड़े वाली 4,500 की ली है ये मैंने, ये 4,500 की ली है फ्रेंड्स। और ये हेयर स्पा का ये कैप है, ये इधर रखी हुई है अभी, क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स इतना सब में ही मेरा 60,000 आप लगा लीजिए मेरा फर्नीचर का हो गया है, 60,000 पूरा फर्नीचर में गया है। और लगभग 30,000 रुपया की मेरी चेयर्स वगैरह ट्रॉली हो गई हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं एसी, ये एसी मेरा है 35,000 का, 35,000 में मेरा एसी हुआ है। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं पीओपी वगैरह जो मैंने कराई है, ये पीओपी वगैरह ही मेरी 14,000 की, सिर्फ इतने से रूम में मेरी पीओपी हुई है। और लाइटें इसमें, लाइटें अलग से हैं फ्रेंड्स, सिर्फ ये पीओपी ही 12,000 की है और इसमें 10,000 की ये लाइटें हैं, क्योंकि पार्लर में क्या है कि लाइटों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइट बगैर पार्लर नहीं। मेरे उस छोटे से पार्लर में भी बहुत सारी लाइटें लगी हुई थी पर पीओपी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा रूम था। और आप ये देख रहे हैं जो झूमर है, ये झूमर ही 4,000 का झूमर है, ये हैंगिंग लाइट बोलते हैं इसको, ये ही 4,000 की है। तो फ्रेंड्स पार्लर एक ऐसी चीज़ है, आप जितना मर्जी इसमें लगाओ, पर एक बात फिर भी मैं बोलूँगी कि जितना, मेरे अनुभव से बोलती हूँ मैं इस बात को, कि जितना आप लगाओगे इसमें, जितना भी लगाओगे इतना ही आपको रिटर्न मिलता है इसमें। क्योंकि अभी आजकल कैसा है कि लोगों को फैसिलिटी चाहिए, लोग पैसे को नहीं देखते हैं, अगर 10-20 रुपया कम में वो नहीं जाते हैं, अगर फैसिलिटी है तो फिर वो जाते हैं। तो फैसिलिटी मेन मायने रखती है। तो फिर इसमें ये 60,000 का मतलब ये फर्नीचर हो गया है, 35,000 का ये अपना एसी हो गया है, 95,000 हुए, उसके बाद 30,000 रुपया का अपना फर्नीचर हो, ये चेयर्स वगैरह हो गई फ्रेंड्स, उसके बाद पीओपी का 10-12,000, फिर 10,000 की लाइटें हो गई है, फिर फ्रेंड्स ये जो प्लम्बिंग वगैरह का काम जो करना था पीछे से, ये सब
सेटअप करना था, इसमें भी 5,000 रुपया ले लिया। इलेक्ट्रिशियन जो बिजली वाला है उसने भी 12,000 रुपये लिए हैं, क्योंकि इस रूम में पहले एसी की नई लाइन कराई है, क्योंकि ये मकान किराएदार के लिए था, तो मैं अपनी लाइन में लाइन जुड़वाई तो उसमें भी मेरे 12,000 रुपया चले गए हैं। और ये मैंने साथ में काया प्लट का बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब काया प्लट एक कंपनी है, इसके मैं सारे प्रोडक्ट मिट्टी के बने हुए हैं, नेचुरल मिट्टी से प्रोसेस करके ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही हर्बल है, मतलब एकदम पूरी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए ये भी सामान मेरा करीबन 10,000 का सामान ये भी आ गया है, मतलब हाथ सकोड़ते सकोड़ते फ्रेंड्स तो भी इतने का सामान आ चुका है। और यहाँ पर रखी हुई है मेरी मशीनरी, जो मेरी सब पुरानी है, कुछ भी नया नहीं लाई हूँ मैं अभी, ये सब मेरी मशीनरी, क्रिम्पिंग है, स्ट्रेटनिंग है, फिर मैगी कर्लिंग है, फिर ये सब जितने भी मशीनें हैं सब मेरी पुरानी रखी है, ड्रायर वगैरह, ड्रायर तो मेरे पास दो हैं, ये प्रोफेशनल है, एक थोड़ा छोटे वाला है, और ये स्ट्रिप रखी हुई है फ्रेंड्स, और ये वैक्स वगैरह, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो वैक्स वगैरह स्टॉक रखनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर कुछ भी मांग लेते हैं कभी आकर। और ये सब में आप देख सकते हो, ये सब भी मेरा पहला ही है, कुछ भी नया नहीं लिया है मैंने, ये सारा का सारा मेकअप का, ये सब पुराना ही है, तो भी इसमें मेरा फ्रेंड्स करीबन करीबन 2 के पास पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि जब भी आप काम करें तो अच्छे से काम करें, क्योंकि समय निकलता चला जाता है, समय कभी रिटर्न नहीं आता है। इससे अच्छा है कि आप भले ही 1-2 साल लेट से करें, पर पूरे के पूरे एकदम अच्छे से पूरा अपना सेटअप करके ही पार्लर को चालू करें, क्योंकि अगर एक बोलते हैं कि 2,000-3,000 में कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, कस्टमर आते हैं पर वो बात नहीं आती है, जो आप प्रोफेशनल बन के काम कर पाओगे वो वैसे आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए भले ही थोड़ा लेट से चालू करो, पर भले ही थोड़ा लेट से चालू करो पर आप अच्छे से ही एकदम से अपना पार्लर को सेटअप करो, क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है जो लौट कर कभी फ्रेंड वापस नहीं आता है। इससे अच्छा है कि अच्छे से करो, और ऐसे तो देखो 10,000-20,000 में भी पार्लर अपना कर सकते हो, पर अगर आप अच्छे से करोगे, पार्लर एक ऐसी वस्तु है जिसमें आप जितना डेकोरेशन करोगे, जितना दिखावा करोगे, कस्टमर इतने ही आपके पास आएंगे। और सबसे बड़ी बात है पैकेज रखने की, पार्लर में आप पैकेज रखोगे ना तो आपका चैनल है ना, सॉरी आपका ब्यूटी पार्लर भागेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा फ्रेंड्स। इसलिए तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, रेखा ब्यूटी हब को, और इस चैनल पर मेरे इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, और प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। और आपको किस विषय पर आगे वीडियो चाहिए तो मैं उसी सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल रेखा ब्यूटी हब को। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।